यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। इसमें ये ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में ये बता रखा है कि एक सिस्टम है जो क्या कर रहा है, डी से ई तक जा रहा है। सबसे पहले ये डी से स्टार्ट होता है, एक इंटरमीडिएट स्टेट ई तक जाता है, ई से फिर एफ तक जाता है, फिर एफ से दोबारा कहां पर आ जाता है, डी पर आ जाता है। सो इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। और इस साइक्लिक प्रोसेस को इस ग्राफ के थ्रू शो किया गया। और ये जो ग्राफ है इसको क्या बोलते हैं, पीवी डायग्राम बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। तो ये इंडिकेटर डायग्राम है जिसमें एक्स एक्सिस को यूज किया गया है एज प्रेशर एंड वाई एक्सिस को यूज किया गया है टू रिप्रेजेंट वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में दी गई है, तो आंसर है सेंटीमीटर क्यूबिक में दी गई है। इसके अलावा जो प्रेशर है वो एटीएम में लिखा हुआ है। 1 एटीएम का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, लगभग मैं बता देता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख देता हूँ। 1 एटीएम का मतलब होता है 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। पास्कल लिखना चाहे या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज 1 एटीएम। तो ये लगभग 1 के बराबर है, 1.01, तो अप्रोक्सीमेटली 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू को सिर्फ ये लिख देते हैं, 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर ये जो प्रेशर गिवन है 2.0, 5.0 एटीएम में गिवन है, और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जब भी सॉल्व किए जाते हैं फिजिक्स में एसआई यूनिट में सॉल्व किए जाते हैं, तो हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, क्यूबिक सेंटीमीटर दी गई है, सीसी लिखी गई है, लेकिन वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो हमें इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन प्रेशर, फिर उससे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ द ग्राफ टू फाइंड द वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, 300 से 600 हो रही है। F से D तक जो ग्राफ जा रहा है उसमें वॉल्यूम 300 से 600 तक हो रही है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये चेंज हो गया, दिस इज V1, दिस इज V2। सो V2 माइनस V1, 600 माइनस 300, ये चेंज होगा वॉल्यूम, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो इस ग्राफ के अंदर हमने ये देखा कि चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसको डेल्टा V से लिखेंगे एंड इट विल बी 600 माइनस 300 इन सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ओके। लेकिन हमें सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू को यूज नहीं करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा वी को फाइंड करते हैं पहले। 600 माइनस 300 इट विल बी 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो देखिए क्या किया जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिखा जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दिस इज नोन एज सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, जब एक सेंटीमीटर को हटाएंगे तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर से 100 से डिवाइड कर देंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर से 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये तीनों सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये कितनी हो जाएगी, इट विल बी 300 डिवाइड बाय 10 to the power 6, 100 into 100 into 100, इट विल बी 10 to the power 6। और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब में मीटर इंटू मीटर। अब ये जो 10 to the power 6 है, ये 10 to the power 6 को अपस्टेयर्स में लेकर के जाएंगे, सो इट विल बी -6। तो अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है, वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है और आपको उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इट इज इन द सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब लिख सकते हैं। वो क्यों लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो तीनों सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय क्या करते रहेंगे, 100 करते रहेंगे, 3 बार डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 to the power -6।
सो इट विल बी इन द मीटर क्यूब. तो ये आ गया हमारा मीटर क्यूब. इसके बाद में प्रेशर के बारे में बात करते हैं. प्रेशर इज गिवन इन द एटीएम, सो वी विल फाइंड चेंज इन प्रेशर. अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट बताएगा? डी एफ, और यू कैन से दैट एफ डी. इसकी एरो इस डायरेक्शन में, तो हम इसको एफ डी बोल देते. तो ग्राफ का कौन सा पार्ट बता रहा है, इसको यहां पर लिख देते हैं हम इसी में. चेंज इन वॉल्यूम से पहले चेंज इन वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय द एफ डी एंड इट इज रिटन एज डेल्टा वी. ये डेल्टा वी हमने कैसे फाइंड किया? ग्राफ के एफ डी पार्ट से फाइंड किया. और चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर आपको दिख रहा है ई टू एफ तक ग्राफ जा रहा है. दिस इज द फाइनल प्रेशर 5.0, दिस इज द इनिशियल प्रेशर 2.0. इसको माइनस कर लेंगे 5 - 2, सो दिस इज द चेंज इन प्रेशर इन दिस ग्राफ डेल्टा पी. और ये ग्राफ के कौन से पार्ट से मिलेगा? इट विल बी फ्रॉम ई टू एफ 5.0 माइनस 2.0 एंड इट इज इन द एटीएम. सो डेल्टा पी, और यू कैन से दैट इसमें हम लोग इसको एफ डी लिख सकते हैं, और ये जो डेल्टा पी है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई एफ लिख सकते हैं. सो डेल्टा पी विल बी, एटीएम को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? न्यूटन मीटर स्क्वायर में. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मतलब कि पास्कल में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट में. तो 5 - 2 इट विल बी 3.0. और एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया 10^5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज वन एटीएम इज अप्रोक्सीमेटली 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो वन एटीएम, एटीएम की जगह पर क्या लिख देंगे? 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये हमने इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया. नाउ वी कैन फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइक्लिक प्रोसेस. इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा उसको कैलकुलेट करेंगे. सो नाउ आई एम राइटिंग वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइक्लिक प्रोसेस कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ डी ई एफ, ये इसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे ग्राफ का. एरिया ऑफ डी ई एफ, अच्छा ये एरिया क्या होगा? ट्राइंगल का एरिया होगा. और ट्राइंगल के एरिया में हमें पता है क्या फॉर्मूला लगेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? दिस इज द बेस ई एफ. तो ई से एफ तक ये बेस है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको हमने फाइंड कर रखा है 5 - 2, ये लिखा हुआ चेंज इन प्रेशर ई एफ. तो ई एफ की वैल्यू पुट कर देंगे. सो बेस इज 3 × 10^5. तो यहां पर हमने लिखा 3 × 10^5, दिस इज बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट. हाइट इज एफ डी. ये ग्राफ का ये वाला जो पार्ट है ये क्या बता रहा है? ये हाइट को बता रहा है. ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट. तो बेस और हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे. एफ डी हमने भी निकाल रखा है यहां पर. क्या करेंगे? 300 × 10^-6. ये हमने इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया. अब जस्ट इसको क्या करना है? हमें सॉल्व करना है. तो सॉल्व करना है, तो देखिए इसमें सबसे पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं कितनी आएगी. 10^5 है और ये 10^-6 है. 10^5 और 10^-6 कितना रह जाएगा? 10^-1. इनको कैंसिल करेंगे सबसे पहले, पावर्स को सॉल्व करेंगे. उसके अलावा हम लोग 300 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं. ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 150. अब जो जो क्वांटिटीज इसमें रह गई है उसको लिख लेते हैं, फिर आगे का नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं. यहां पर लिखता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप. W इज इक्वल टू, एक तो यहां पे 3 रह गया,
दूसरा 150, 3 × 150 × ये पावर भी कैंसिल कर देते हैं, ये 10^5 है और ये 10^-6 है, इनको जब कैंसिल करेंगे तो यहां पर रह जाएगा 10^-1 का मतलब है वो डिवाइड में आएगा, सो इट विल बी 3 × 150 / 10, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 50 × 3, 15 × 3 = 45 joule, सो द आंसर इज 45 joule। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस इस ग्राफ में दिखाई गई है, इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर एक साइकिल में कितना वर्क डन होगा, 45 जूल का वर्क डन होगा, इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम लोग ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करके वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसमें जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर क्यूबिक में दे रखी थी, वॉल्यूम तो है, नॉट सेंटीमीटर क्यूबिक, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में दे रखी थी, हमें इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। इसी तरह से चेंज इन प्रेशर, वो ग्राफ का ये वाला पार्ट बता रहा था चेंज इन प्रेशर को, वो एटीएम में गिवन था, वो भी एसआई यूनिट में नहीं था, तो हमने उसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करनी थी, 1/2 × base × height, ये फॉर्मूला ही तो लगाना था, और वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी, पुट की और सॉल्व किया, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द 9th क्वेश्चन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, उसको देख लेते हैं। This is the question number 10, the last question of this chapter, NCERT exercise. देखिए इस question के अंदर ये बताया गया refrigerator जो है उसको maintain किया जा रहा है कितने degree celsius पे, तो answer है उसके अंदर जो eatables हैं उनको maintain करता है वो 9 degree celsius पे, और जबकि बाहर surrounding का जो temperature है वो है 36 degree celsius, क्या temperature है 36 degree celsius। तो बाहर से हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, कोई भी ईटेबल को लेकर के आएंगे, उसका टेम्परेचर होगा 36 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे रेफ्रिजरेटर उसके टेम्परेचर को कर देगा 9 डिग्री सेल्सियस। सो 9 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, रेफ्रिजरेटर में उल्टा था, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसको माना जाता है सिंक, और हीट एनर्जी हम कहाँ छोड़ते हैं, सोर्स के अंदर। हीट एनर्जी हम लोग कहाँ पर रिलीज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में, सोर्स पे रिलीज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देख लीजिए, जो लो टेम्परेचर होगा वो T2 का होगा, सिंक का टेम्परेचर होगा, ये दोनों क्वेश्चंस में सेम है, इट इज गिवन 9 डिग्री सेल्सियस, और हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, सिंक के टेम्परेचर को T2 से लिखा जाता है, एंड इट इज 9 डिग्री सेल्सियस, सो वी आर कन्वर्टिंग इट टू द केल्विन, 9 + 273, इट विल बी 282 केल्विन, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। इसके बाद में हम लोग देखते हैं किसका टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज T1 एंड इट इज गिवन 36 डिग्री सेल्सियस। देखिए इन क्वेश्चंस के अंदर जो भी हीट इंजन के और रेफ्रिजरेटर के या कार्नो इंजन के क्वेश्चंस होंगे उसमें बस आपको ये देखना है कि जो कम टेम्परेचर है वो सिंक का है, जो हाई टेम्परेचर है वो सोर्स का है, तो T2 की वैल्यू हमेशा कम होगी, T1 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, तो इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन से टेम्परेचर को T1 लिखें और कौन से टेम्परेचर को T2 लिखें, हाई टेम्परेचर को T1 लिखें, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है, सो वी आर कन्वर्टिंग इट टू केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 273 से एड कर दिया, एंड इट विल बी 309 केल्विन, ओके। तो ये दो चीजें गिवन थी, अब हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बीटा इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास दो तीन फॉर्मूलास थे, Q2 अपॉन W भी था एक फॉर्मूला, तो उसको तो लगा नहीं सकते हैं, हमें टेम्परेचर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और टेम्परेचर का जो फॉर्मूला था वो ये था,
दैट T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। एक ये फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, Q2 डिवाइड बाय W, और W को क्या लिख सकते हैं, W को लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, ये लिख सकते हैं। तो जो ईटा के फॉर्मूला थे, जो एफिशिएंसी के फॉर्मूला थे, जस्ट उसका क्या करना है, अपोजिट करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो वो किसके फॉर्मूलाज बन जाएंगे, वो फॉर्मूलाज बन जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एनीवेज वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, T2 इज गिवन 282 केल्विन, सो इट इज 282 केल्विन डिवाइड बाय T1 इज गिवन हियर 309 केल्विन, तो 309 केल्विन की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 309 माइनस 282 डिवाइड बाय, इसको माइनस कर लेते हैं, 309 माइनस 282 7, और ये हो जाएगा 27, माइनस करके डिवाइड में क्या लिख देंगे, 27 लिख देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बीटा इज इक्वल टू 282 डिवाइड बाय 27। सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद जीरो लगा दे, सो इट विल बी 10. अप्रोक्सीमेटली 10.4 आएगा ये। ओके, द सॉल्यूशन इज 10.4। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर व्हिच इज वर्किंग बिटवीन द 9 डिग्री सेल्सियस एंड 36 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब आपके कोई भी डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क फ्रॉम मी वन बाय वन।